के गड़बड़ाए समीकरण, अब प्रदेश में राज्यसभा में एक ही सदस्य भेज पाएगी कांग्रेस। 2 अप्रैल को प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटों के सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है खत्म, तो भाजपा की प्रचंड जीत से 4 सदस्य प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे। 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 163 और कांग्रेस के 66 विधायक हैं। राज्यसभा का एक सदस्य को चुनने के लिए 39 विधायकों के वोट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एल मुर्गन और कांग्रेस से राजमणि पटेल का कार्यकाल फिलहाल खत्म हो रहा है। तो देखिए, फिलहाल अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस के समीकरण अब राज्यसभा में गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो राज्यसभा की 5 सीटों के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में अब बीजेपी 4 सदस्य राज्यसभा भेजेगी मध्य प्रदेश की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए, चुनाव में जब जिस तरह से सीटों की संख्या अब कम हो गई है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई, राज्यसभा में अब बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी मध्य प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है विधानसभा चुनाव में वो बेहद निराशाजनक है। केवल 66 विधायक ही कांग्रेस के चुनकर विधानसभा पहुंचे, तो जो राज्यसभा का जो गणित होता है उसके मुताबिक 39 विधायक चाहिए होते हैं एक राज्यसभा टिकट के लिए, लेकिन अब कांग्रेस के पास चूंकि 66 विधायक ही हैं तो केवल एक ही राज्यसभा में कांग्रेस अपना सदस्य भेज पाएगी। 2 अप्रैल को प्रदेश की 5 सीटों का जो कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिल्कुल, अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब जो बीजेपी की राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो अब बढ़ती हुई, क्योंकि एक सीट के लिए 39 वोटों को देना है और अब समीकरण कांग्रेस के बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैभव, बने रहिए आपसे, आगे की खबरों में भी हम जानकारी लेंगे।